नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। नवभारत अखबार में आज किन खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। जल्दी से शुरू, सबसे पहली खबर जिसकी चर्चा कल पूरे दिन भर रही, नोटबंदी। नोटबंदी का फैसला मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में लिया था और उसके फैसले पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि क्या ये सही था या गलत था। तो क्या कुछ खास है नित्यानंद जी इसमें? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जो पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, 4-1 से जो है फैसले को सही ठहराया, यानी 4 जो है जज इस फैसले के पक्ष में थे कि ये सही था नोटबंदी का फैसला सरकार का। बिल्कुल, उनकी जो है, उनके विचार इस चारों से सहमत नहीं थे वो। और इसके अलावा जो है, देखिए ये बहुत बड़ा मामला था क्योंकि उस वक्त के बाद से जो है बीजेपी पर जो है कांग्रेस या विपक्ष कह लें हमलावर थी और मोदी सरकार पर लगातार जो है सवाल खड़े कर रही थी कि आपने सभी को लाइन में खड़ा कर दिया था और तमाम परेशानियां हुई थी, कितने लोगों की मौतें हो गई थी, ये तमाम तरह के आरोप थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो थोड़ा सा जो है बीजेपी इस मामले में राहत महसूस कर रही होगी। जो एक जज है उनका नाम है, जिन्होंने जो इस फैसले के खिलाफ थे जी, इनका नाम है बीवी नागरत्ना जी। हाँ, अच्छा, इनकी दलील जो है यह है कि इस पर पहले से विचार होना चाहिए था, जो कि शायद बीजेपी के खुद के जो है लोगों का भी मानना था कि इस पर विचार होना चाहिए था। तो इसको लेकर थोड़ा सा उनकी विचार अलग हैं, लेकिन अधिकतर जो है, यानी 4 जज जो है इसके पक्ष में थे और इस तरह से जो है नोटबंदी का फैसला सरकार का सही था, ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला है जी। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, ये है कंजावला केस में शाह ने रिपोर्ट मांगी, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज जी। दिल्ली में ये मामला काफी चर्चा में है और आज भी इस पर नए नए अपडेट आ रहे हैं, हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर देखिए। फिलहाल जो अखबार में खबर दी है ये अमित शाह से जुड़ी हुई है, इसमें दिल्ली के कंजावला इलाके में 20 साल की युवती की मौत मामले में पुलिस के दावों को एक्सीडेंटल की थ्योरी पर चौतरफा सवाल उठे, इसके बाद सोमवार को गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी जी। तो गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृहमंत्री ने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ आपने जो है LG का इस्तीफा मांगा है और LG ने इससे पहले भी एक बयान जारी किया था और वो उन्होंने कहा था कि ये जो घटना है वो खौफनाक है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और अगली ही खबर की ओर बढ़ते हैं, तो RT-PCR की रिपोर्ट जरूरी होगी, चीन, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड से आने वाले यात्रियों को किसी भी भारतीय एयरपोर्ट पर उतरने से पहले नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट रखना जरूरी होगा, चाहे उनका मूल देश कोई भी हो। कोविड प्रोटोकॉल एक बार फिर से जो है, कोरोना एक बार लागू हो रहा है जी। तो चीन में तो काफ़ी ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं और भारत में भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, 2023 है वनडे वर्ल्ड कप, उसकी जो है, या यूँ कह लें कि T20 वर्ल्ड कप 2024, उस मिशन की शुरुआत आज से हो रही है। श्रीलंका आ चुकी है भारत में और भारत उसके साथ पहला T20 आज खेलेगा। हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल जैसे बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो है भारत के लिए एक तरह से मिशन की शुरुआत है, क्योंकि न केवल यहाँ से वो T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला देखेगा, बल्कि जो वनडे वर्ल्ड कप भारत में होना है उसकी भी तैयारी इसी जो है सीरीज से शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा मिशन है, तो आज 30 साल का तीसरा दिन है और हार्दिक पांड्या चाहेंगे कि कम से कम इस साल का जो है आगाज जीत के साथ हो। और इसके अलावा जो है एक और बड़ी रोचक खबर है और वो ये है कि एक पिता ने जो है अपने बेटे के नाम पर स्टेडियम बनवाया था। अच्छा, और अब वो बेटा उसी स्टेडियम में आज रणजी ट्रॉफी का मैच खेलेगा। इस पर विस्तृत रिपोर्ट नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में भी लगी हुई है, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं और अखबार में भी इस पर जो है विस्तृत जानकारी दी गई है। और ये सारा मामला जुड़ा है अभिमन्यु ईश्वरन से। इसके अलावा जो है, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है, वहाँ पर जो है न्यूजीलैंड ने एक बार फिर चका दिया है पाकिस्तान को और डेविड कॉर्नर ने शानदार शतक लगाया। और दूसरी तरफ कपिल देव ने एक बयान जारी किया, उनका कहना है कि भाई ऋषभ पंत जो है खुद कार ड्राइव कर रहे थे और एक्सीडेंट हुआ और इतने बड़े स्टार हैं और जाहिर सी बात है
कि वो जो है एक कार ड्राइवर रख सकते थे। कपिल देव का यही कहना है कि आप जो है उसका जो है खर्च उठा सकते हैं, तो आपको कार ड्राइवर रखना चाहिए, न कि इस तरह का जोखिम लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बड़ा जो है वर्षापन से जुड़े अपडेट भी हम लगातार आपको दे रहे हैं, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली महानगर की खबरें। दिल्ली की सड़कों पर उतर गई 50 नई इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली वासियों के लिए खबर है। और सोमवार को राजधानी में 5 जगहों पर प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। जी, प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ना हुआ शुरू, फिलहाल नहीं हटेगा ग्रैप 3। जी, इसी पेज पर एक और थोड़ा सा दहला देने वाली खबर है कि नए साल की पार्टी चल रही थी और सिर्फ गाली देने पर जो है कर दिया मर्डर। ये गाजीपुर इलाके में ये वारदात हुई है, पर बड़ा हादसा हो गया जी। और ये विस्तृत पूरी रिपोर्ट है कि ये नाबालिग समेत 3 लोग पकड़े भी गए हैं, और पूरा मामला क्या था ये पेज नंबर 2 पर आप पढ़ सकते हैं। अगली खबर बढ़ते हैं, ये कोरोना वेरियंट के ऊपर है। XBB.15 वेरियंट इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम, जी एक्सपर्ट का ऐसा कहना है, मतलब कि ये इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। जी, तो ये मतलब खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, और खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को टारगेट करेगा जिनको या तो कोई पुरानी बीमारी है या फिर उनको लंग्स से जुड़ी कोई बीमारी है। हाँ। तो ये जो है उनके लिए और भी खतरनाक होगा, और इससे पहले भी जो रिपोर्ट्स आती रही हैं कोविड कि वो इन्हीं लोगों पर ज़्यादा जो है प्रकोप रहा उसका जो है। ये वेरिएंट फिलहाल अमेरिका में तेजी से फैल रहा है, अखबार में दिया है। और जम्मू कश्मीर के DGP ने कहा IED धमाके के निशाने पर थे अधिकारी। ये जो है वही रजौरी का मामला है जिसके बारे में हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, फ्रंट पेज पर जो है ये पूरा लीड स्टोरी थी। तो इसमें पूरा मामला सामने आया है। दूसरी ओर इस पर, इस पूरे मामले पर जो है फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो कि एक्स CM भी हैं, इन लोगों ने जो है हमले की निंदा की है। और इससे जुड़ा एक और जिशान के परिवार का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। ये पूरा मामला जो है अभिनेत्री तनिषा शर्मा से जुड़ा हुआ है। हाँ। इन्होंने कुछ दिन पहले ही सुसाइड कर लिया था। जी, अगली खबर जो है फ्रंट पेज की ही डिटेल में दी हुई है, विशुद्ध राजनीति पेज है। नोटबंदी पर एक जज की राय अलग, कहा संसद में इस पर कानून लाने के लिए चर्चा होनी चाहिए थी। इस पर अलग अलग नेताओं के बयान हैं, दिग्गज नेताओं के, रविशंकर प्रसाद, जयराम रमेश का भी पक्ष है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और राहुल की यात्रा आज से जो है UP में शुरू हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा, और इसके लिए जो है अखिलेश और मायावती ने भी जो है शुभकामनाएं भेजी हैं। और दूसरी तरफ जो है जो किसान यूनियन के प्रमुख हैं टिकैत, राकेश टिकैत, उन्होंने जो है आने से मना कर दिया है। और अखिलेश और मायावती ने शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि वो इस यात्रा में शामिल हों। शायद बिल्कुल, हालांकि और कई बड़े नाम हैं जो जुड़ सकते हैं इस यात्रा में। बिल्कुल जी, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं जो है विचार। जी, और ये देखिए कलीजियम सिस्टम में को लेकर जो है एक रिपोर्ट, वरुण गांधी का एक लेख है, उनका कहना है कि क्या हो जजों की नियुक्ति का सही तरीका। ठीक है, तो ये पूरी रिपोर्ट आप उनका लेख आप पढ़ सकते हैं, और उसमें तमाम पॉइंटर दिए गए हैं कि इमरजेंसी में बदला रुख और अन्य देशों में क्या न्यायिक नियुक्तियों का सिस्टम है, और न्यायिक स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में पूरा उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। ये एक नई चीज़ है कि अब चूंकि वरुण गांधी जो है BJP का हिस्सा है, BJP सरकार जो है सेंट्रल में है, और उन्होंने अगर लिखा है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि मांग बढ़ने से 13 महीने के हाई मैन्युफैक्चरिंग PMI ये जो है मंदी की जद में होगी, एक तिहाई ग्लोबल इकोनॉमी। ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, खेल के पेज पर ही नीचे जो है बॉटम में दिया गया है। और इसके अलावा गेमिंग कंपनियों के लिए आया खुद से निगरानी का प्रस्ताव। ठीक है, ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, जो टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, जो आईफोन में विश्वास रखते हैं, जो वो पसंद करते हैं उसको चलाना, उनके लिए है कि मैकबुक और आईपैड्स भी भारत में बनेंगे। तो यानी जहां पर जो है मेड इन चाइना होता था, अब वो जो है मेड इन इंडिया होगा।
अब लास्ट पेज की खबर क्या है, सिंगापुर थाईलैंड से होकर आने वालों को भी दिखानी होगी रिपोर्ट। आरटीपीसीआर की जो शॉर्ट खबर फ्रंट पेज पर दी थी उसी की डिटेल खबर आखिरी पेज पर है। और भी इन खबरों से जुड़ा अब जो अपडेट है उसे देखने के लिए आप नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं ताज़ा खबरों के लिए। और आप जुड़े रहिए एनबीटी के साथ। मुझे यानी ज्ञानेश को और नित्यानंद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।